साहब की मौजूद हस्तियां, मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे बहने माताएं आज इस दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित संगीतमय सुंदर कांड में पधारे ज्योति गार्डन में, जो कि एबीडी बैंक्वेट्स और एनएसएस क्लासेस के सहयोग से संपन्न हो पाया है और आप सबकी शुभकामनाओं से संपन्न हो पाया है। आप आए कार्यक्रम में चार चांद लगे और संगीत मंडली का भी हम तय दिल से दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सहयोग आपके बिना और आपके प्यार और उपस्थिति के बिना कार्यक्रम संपन्न होना। हमारे साथ समाज सेवी भरत भूषण कपूर जी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के संगीत कांड पाठ जो यहाँ पर आज प्रभु श्री राम जी की और उनके अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की विशेष अनुकंपा हुई है करनाल शहर पर, कि जो प्रकाश सूर्यवंशी जी जिन्होंने महाभारत सीरियल का टाइटल सॉन्ग गाया था और अभी आपने सुना भी है उनके श्री मुख से, वो आज करनाल में पधारे राजघराना ज्योति गार्डन में, और जिसमें कि यह मुख्य जो है वो योगदान है वो दैनिक जागरण का है और उसके साथ ही जेबीडी बैंकर्स और जेनेसिस क्लासेस का योगदान रहा। और आपने देखा है प्रभु की असीम कृपा से कार्यक्रम जो है बहुत सफल रहा है और काफ़ी लोग करनाल से हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना है और अब भोजन प्रसाद की बार व्यवस्था है और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी अनुकंपा इसी तरह हमारे जेबीडी परिवार हमारे जेबीडी समाज कल्याण समिति पर बनी रहे और समिति जो है समाज सेवा के कार्य जैसे कर रही है निरंतर 2006 से आगे भी समाज सेवा के कार्य इसी तरह करती रहे। आगे भी होंगे जैसी प्रभु इच्छा होगी। मैंने तो कहा हम तो प्रभु की अनुकंपा से चलते हैं, समिति के कार्य भी उन्हीं की अनुकंपा से चल रहे हैं। 2019 में जो आपकी रसोई शुरू की गई थी जून में 12 सेक्टर से सफारा पार्क से, वो उन्हीं की अनुकंपा से चल रही है और आगे चलती रही है। टिफिन सेवा भी चल रही है और भी जो कार्य हमें लगता है भी होने चाहिए समाज में, उनमें भी हम पीछे नहीं हटते हैं। समाज सेवी जितने भी संस्थाएं करनाल की उनसे भी हमारी समिति जो है कंधे से कंधा मिला के चलती है और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है और आगे बना रहे और इसी तरह कार्य चलते रहे। आज बहुत आनंद आया, ये जो आयोजन हुआ भगवान श्री राम और हनुमान भक्त हनुमान जी उन्हीं की इच्छा से है, हमारी क्या औकात है कि हम कर पाएँ, लेकिन ये दैनिक जागरण और उनकी टीम पूरी और जेबीडी बैंकेट हॉल और उनके जो ओनर हैं भरत भूषण जी, इन सब के सहयोग से और जो करनाल की जनता है हमारी करण नगरी है उन सब के सहयोग से बहुत अच्छा आयोजन रहा और जो टीम आई है ये टीम ने बहुत ही मतलब आनंद में बहुत जोर शोर से ये संगीत में सुंदर कांड किया, बहुत लोगों को हजारों लोगों आए सब लोगों को बहुत आनंद आया।
मतलब इसको हम बयां ही नहीं कर सकते, इतना आनंदमय आज का तो पूरा दिन बन गया है। जो भी यहाँ पर आ रहे हैं बहुत धन्यवाद कर रहे हैं इस टीम का। जनसिस कुरुक्षेत्र से सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस सुंदरकांड। सर नमस्कार, जय हिंद। मैं सेना से रिटायर्ड सूबेदार रविंद्र कौशिक, कुरुक्षेत्र जेनेसिस ब्रांच से। जो आज ये पाठ है इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है कि जो भगवान श्री राम हैं उन्होंने बड़े, हमारे जो रामायण के अंदर प्रसंग आता है कि बहुत ही पारिवारिक तौर पे जोड़कर और देश को एकत्रित करके राम राज्य की स्थापना की थी। और आज जो हम जेनेसिस की तरफ से आपको बता रहे हैं कि जेनेसिस भी इसी प्रकार देश का जो उज्जवल भविष्य है, हमारे युवा, हमारा जो धन है असली, उन नींव को पक्का करने में कहीं ना कहीं एक नींव का पत्थर बन रहा है। और इसी तरह के एक राम सेतु की तरह एक सेतु तैयार कर रहे हैं जिससे माँ भारती का एक ऊंचा जो रहे दर्जा वो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो। आज के आयोजन के बारे में क्या बताएंगे? आज का जो आयोजन था बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जितेंद्र जी ने सारे जो परिवार हैं, जितने भी मेंबर्स थे, हम विद परिवार बुलाए थे, और मेरा जो पूरा परिवार, मेरा ही नहीं, हमारे जितने भी यहाँ पे, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग है, वो सभी आए थे। और उन्होंने इसका संगीतमय जो सुंदरकांड का पाठ था इसका भरपूर आनंद लिया। और आपने जैसा देखा ही है कि कितना एक पब्लिकली भी एक सुंदर मैसेज गया है।